नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ एस एन ढैया चैनल पर। दोस्तों, घोड़ी के जो खुर होता है उस पे मेहंदी लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो मोर्चे पे मेहंदी लगाते हैं, घोड़ी का जो मोर्चा होता है वहाँ पे मेहंदी लगाते हैं, और कुछ भाई होते हैं वो पीठ पे मेहंदी लगाते हैं। क्या कारण है इसका, यानी कि जो मोर्चे में लगाते हैं उसका क्या कारण है, खुर पे लगाते हैं उसका क्या कारण है, किस रीजन से लगाते हैं, शौक से लगाते हैं या कुछ इसके पीछे कुछ कारण है, जो पीठ पे लगाते हैं उसके पीछे क्या कारण है, तीनों चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खुर पे क्यों लगाते हैं, मोर्चे में क्यों लगाते हैं और पीठ पे क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, ये पीठ वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए आप हमारे साथ में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, होता है क्या है कि काफ़ी भाई होते हैं वो घोड़े के ये खुर होता है इस पे यहाँ पे मेहंदी लगाते हैं, चारों पैरों पर लगा देते हैं, कुछ होते हैं वो दो पैर पर लगा देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए लगाते हैं। ये मोर्चा है आप इसमें देख रहे हैं, ये मोर्चे पे, यानी कि कोई दो पैर पे लगाते हैं, कोई चार पैरों पे लगाते हैं, यानी कि ये एक सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ब्याह शादी में ले जाते हैं, एक शौक के तौर पे लगाते हैं, और वो सून शास्त्र होता है, यानी कि जो आगे पैर पे लगाया जाता है जब शादी बारात में घोड़ी जाती है, तो यानी कि दूल्हे को बैठाने से पहले यानी कि मेहंदी लगाई जाती है। उसमें क्या करते हैं घोड़ी वाले, यानी कि पूरे पैर पर लगाने लग गए थे एक शौक के तौर पर, यानी कि थोड़ी सजावट के लिए लगाने लग गए थे। तो ये तो थी यानी कि खुर की और मोर्चे की बात, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शौकीन के लिए, यानी कि थोड़ी घोड़ी अच्छी लगे जो खुर पे लगाते हैं और ये मोर्चे में लगा रखे हैं, ऐसे यानी कि आपकी घोड़ी सजावट में लगे, अच्छी लगे। लेकिन जो पीठ पे मेहंदी लगाई जाती है, तो दोस्तों जो काठी करते हैं आप, पीठ पे काठी करते हैं वहाँ पे ये मेहंदी लगाते हैं, उसके पीछे ये कारण है कि आप फर्स्ट टाइम यानी कि घोड़े पे सपाट किए, यानी कि जो काठी की तो दांत बच्चे को आप हिला रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने काठी की, आधे घंटे तक आप राइडिंग करके आ गए, दूसरे दिन आप यानी कि नेक्स्ट दिन यानी कि आप उस पर काठी करेंगे, तो यानी कि घोड़ा घोड़ी यानी कि थोड़ा बदमाशी करेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम उस पर काठी की तो आधे घंटे तक आप राइडिंग करके आए, तो दूसरे दिन उसका शरीर वाम जाता है और वहाँ पर वो जलन महसूस करता है, पीठ पे काठी जहाँ आपने काठी की वहाँ पर वो जलन महसूस करता है, उसके थोड़ा मतलब चिड़चिड़ाहट सा होता है, जलन होती है। तो इसी के इसको बचने के लिए, यानी कि जो काठी करते हैं वहाँ पे बचने के लिए, जलन होती है वहाँ पे बचने के लिए, कभी काफ़ी बार टाकर हो जाते हैं, थोड़ा खून सा आ जाता है, तो उसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे पीठ पे मेहंदी लगाई जाती है। और मेहंदी का हकीकत यह है दोस्तों कि आप मेहंदी लगाते हैं तो उससे जलन कम होएगी, जो पीठ होती है जहाँ आप काठी करते हैं वहाँ पे नए घोड़े को आप हिला रहे हैं या घोड़े को हिला रहे हैं फर्स्ट टाइम, यानी कि आप उस पर यानी कि राइडिंग करना स्टार्ट किए, तो उसके वो जलन यानी कि कम होएगी जब आप मेहंदी लगाएंगे। अगर आप भी यानी कि नए हॉर्स लवर हैं और आपने फर्स्ट टाइम एक बार यानी कि काठी किए हैं, तो यानी कि दो चार दिन आप इस पे काठी करके ले जाएंगे तो उसके बाद में यानी कि आपको मेहंदी लगा लेंगे तो उसकी जलन होएगी, जो काठी की जलन होती है वो कम होएगी, तो इसीलिए मेहंदी लगाई जाती है। तो दोस्तों, खुर पे लगाई जाती है वो शौक के तौर पे लगाई जाती है, लेकिन जो आप पीठ पे लगाते हैं मेहंदी उसके पीछे यही कारण है कि उसका जलन होता है, काठी का जो काफ़ी देर तक करते हैं लोग, नए हॉर्स लवर होते हैं वो एक घंटे तक राइडिंग करके आ गए और उसके बाद में नेक्स्ट दिन यानी कि वो आम जाता है यानी कि शरीर उसका घोड़ी का, तो उसको यानी कि जलन को कम करने के लिए ही ये मेहंदी लगाई जाती है। कभी टाकर हो जाता है, फिर सपाट लग गई, उसको ठीक करने में भी ये काम करती है, मदद करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही।